नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, तहसीलदार ने भागकर बचाई अपनी जान। अवैध रेत भरकर जा रहा था ट्रैक्टर, पकड़ने की कोशिश की तो ड्राइवर ने तहसीलदार को रौंदने की कोशिश की। मकसूदनगढ़ के श्रीपुरा रोड की घटना। तहसीलदार के मुताबिक जब रात के समय चेकिंग पर निकले तो उन्होंने नलखेड़ा के पास एक ट्रैक्टर को बिना रॉयल्टी के रेत भरकर अवैध रूप से ले जाते हुए देखा। जब उन्होंने इस ट्रैक्टर को रोककर पकड़ना चाहा तो ट्रैक्टर चालक ने तहसीलदार को मारने की नीयत से उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। जैसे तैसे जान बचाकर तहसीलदार वहां से भागे। वहीं इस फेर में ट्रैक्टर नीचे गड्ढे में जा गिरा। जैसे ही ड्राइवर को पकड़ा तो उससे रसीद मांगी तो उसने रसीद न होने की बात कही। इस घटनाक्रम के बाद तहसीलदार ने वहीं पंचनामा बनाकर आरोपियों को पुलिस के हवाले सौंप दिया। तहसीलदार का नाम लोकेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव बताया जा रहा है। मामला जी है कि मैं अचानक, मेरे को सूचना मिली कि अवैध प्रबंध करते हुए रेत का ट्रैक्टर रेत भर के निकल रहे हैं, तो मुझे पता लगा कि सुडाली रोड पर ट्रैक्टर निकल रहे हैं, तो मैं वहाँ गया। मौके पर जा रहा था तो सामने एक ट्रैक्टर आता हुआ सुडालिया की तरफ से नलखेड़ा के पास आता हुआ दिखाई दिया, तो हमने उसको रोका। पहले तो उसने हमारी जीप में टक्कर मारने की कोशिश की, जब मैंने उतर के अपना हाथ से रोका तो उसने मेरे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की है, और मैं अपनी सूझबूझ से बाल बाल बच गया है। मैं वहाँ से भाग गया, वहाँ से तो बच गया, और उसने इस ट्रैक्टर को कंधे में पटक दिया। और ट्रैक्टर मालिक का पता चला सर? कौन ट्रैक्टर मालिक का नाम मेरे को जो बताया ड्राइवर ने, वो राधेश्याम सोनिया उठा लिया था। आपने कोई कार्रवाई करी? हाँ, कार्रवाई कर रहे हैं। दरबारी अभी है नहीं, चुनाव ड्यूटी पे हैं, जैसे ही आएंगे मैं उनको एक अपना ट्रैक्टर भेज रहा हूँ। उसमें ट्रैक्टर में क्या भरा था सर? रेत भरा था उसमें ट्रैक्टर में, और उसके बाद कोई गारंटी वैसी नहीं थी, इस वजह से मैंने उसको उसका जब्तीनामा पंचनामा मौके पर बनाया। उसको बनाने के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर वहाँ से ट्रैक्टर लेके तो ड्राइवर वहाँ से भाग गया। पहले कितने लोग थे सर ट्रैक्टर में? ट्रैक्टर में तो पहले तो दो लोग थे। हाँ। हैं, वो तो चला गया एक आदमी प्राइवेट आता, और ट्रैक्टर वाला ड्राइवर था उससे उसको मैंने रोका। उसमें पंचनामा पे जब्तीनामा पे उसके कथन लिए मैंने, उसके पश्चात वो ड्राइवर ही भाग गया। और फिर वहाँ से चुटाली की तरफ से जिन तीन लोगों के नाम जानता हूँ मैं, और वो आए क्योंकि आपस में नाम ले रहे थे एक दूसरे के, हैं, इस वजह से नाम सुने। तो एक तो उसमें राधेश्याम, और एक राधेश्याम और एक था कैलाश, और एक था मनोज, हैं, और उनके साथ जीप भर के जो आई थी उसमें सात आठ लोग और थे, और वो जबरदस्ती बलपूर्वक ट्रैक्टर लेकर भाग। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। राधोगढ़ नगर पालिका वार्ड क्रमांक 15 में उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। नगर पालिका वार्ड क्रमांक 15 की सीट ओम प्रकाश मीना के निधन के बाद खाली हो गई थी। श्री स्वर्गीय ओम प्रकाश मीना की पत्नी ओम श्रीबाई मीना वार्ड क्रमांक 15 से चुनाव लड़ी थी। उन्हें 289 वोटों से जीत हासिल की। ओम श्रीबाई कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है। वार्ड क्रमांक 15 में कुल मतदाताओं की संख्या 1909 है। इसमें से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ओम श्रीबाई मीना को 753 मत प्राप्त हुए। वहीं राधोगढ़ जनपद पंचायत की 3 पंचायतों के नतीजे भी आ गए। गौड़िया पंचायत से दीवान सिंह गुर्जर, खेरखेड़ा पंचायत से बादाम बाई, टोड़ी पंचायत से लक्ष्मण सिंह यादव ने जीत दर्ज कराई है। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी तेज सिंह यादव की रिपोर्ट। आरोन में FIR कराने के लिए यादव समाज ने अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना प्रभारी को दिया ज्ञापन। बता दें कि सुल्तानपुर में कुछ लोगों ने मिलकर सोनू यादव के साथ गंभीर मारपिटाई कर दी थी, जिससे उसको गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान एक चौंका देने वाली बात सामने आई। वह ये थी कि सोनू के मारपीट करने वाले आरोपियों ने उसके साथ वैश्यपन भी किया। सोनू के गुप्तांगों में लकड़ी डाल दी गई, जिससे उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने अभी तक कोई FIR इस मामले में दर्ज नहीं की है, जिसके चलते यादव समाज के लोग पुलिस पर FIR कराने एवं आरोपियों
आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना प्रभारी के पास पहुंचे। वहीं लोगों ने मांग की थी कि युवक के मामले में धाराएं और भी बढ़ाई जाएं, जिस पर थाना प्रभारी का यह कहना था कि पहले युवक के बयान कराए जाएंगे। इतनी गंभीर स्थिति होने के बाद भी पुलिस के काबिल अधिकारी इस तरह के बयान दे रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि पहले युवक के बयान लेंगे, यह तो किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन यादव समाज में एकजुटता दिखाते हुए ये कहा कि यदि 2 दिवस के भीतर आरोपियों पर FIR दर्ज नहीं की जाती और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो यादव समाज आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आप तो इतना बता दें, आपसे बताइए साहब, हमको आज या कल में FIR कितने बाम कर दे, इसमें बयान हो जाए तो आज ही हो जाए, नहीं कल तो 100% आप समझ नहीं रहे। देखो जे बीच से एक शाही हाईकोर्ट चला गया, FIR करता कौन है उसे बुलाओ, नहीं बुलाएगा FIR तू है ना टुकड़ा, अपन थोड़ी है ना, बुलाओ आदमी बाप है माँ है, वो उनके पिताजी हैं। जी हैं जगराम सिंह जी, जगराम सिंह जी, इसमें लड़के के बयान लेने में भी हाल किसी को भिजवा रहा, बयान होने का आप इसको जीवन कहिए कि वो तारीख पे पेश ही गया, आप दूसरे को मार करो और उस पे FIR कर दो, तो कायम हो जाएगी उसकी भैया। हम तारीख में शांति में, हम तो सिर्फ शांति में आए हैं, आवेदन देने आए हैं कि उसने आप FIR कर दिया, आप इसके खिलाफ अल्लाह का नाम हमारा कोई नहीं, हम शांतिपूर्वक आपको हमने आवेदन दिया है, आप आज से और कल तक FIR नहीं करते हो साहब, हम कल चक्का जाम भी करेंगे, हम आपको लिखित में भी दे जाएंगे, अगर पुलिस नहीं सुनती है तो हम उसमें चक्का जाम भी करेंगे। वो आपकी सुल्तानपुर का एक मैटर आया, सुल्तानपुर का एक मोनू यादव की कैरी आई है अपने पास 3 तारीख को, जिसको SI साथ को मार किया है, साथ हाईकोर्ट के काम से बिजी होने के कारण इसको आज दूसरे को मार कर रहे हैं अधिकारी को। इसमें उसने ये दिया था कि मैं दर्द के पेट दर्द के कारण गुजार द्वारा मार्ग में कोई लकड़ी मिली है, उसमें पेट में जिसे दर्द हुआ था, दर्द के कारण मैं डायरेक्ट एडमिट हो गया था, जिसकी तहरीर अपन को प्राप्त हुई है, तहरीर की जाँच करके इसमें बैदानी कार्रवाई अपन कर रहे हैं। माननीय थाना प्रभारी को दिया गया है, SDM साहब को दिया गया है, ये हमारे एक लड़के के साथ में दुष्कर्म करा गया है, उसके खिलाफ में FIR नहीं हुई, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। आपकी क्या मांग है? FIR नहीं काट के अभी तक 11 तो हमारी ये मांग है कि अगर ये घटना 27 तारीख की है और अगर उक्त दिनांक तक, आज की दिनांक तक उन्होंने हमें कल 10 बजे तक का टाइम दिया है थाना प्रभारी ने, अगर उस विषय में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है तो हम उसके अगले ही दिन यानी कि मंगलवार को हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और वो व्यक्ति के खिलाफ अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो इस संबंध में हम ऊपर तक भी जाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। कौन से क्षेत्र की घटना है यह? सुल्तानपुर, हमारे यहाँ से गांव है जो पास का सुल्तानपुर ग्राम की है ये घटना, और आरोन थाना की आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। म्याना के लहरघाट पंचायत के खोकर गांव में प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग दे रही खतरे को बुलावा, यह बिल्डिंग पर किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा, क्योंकि यह बिल्डिंग स्कूल के बीचों बीच ग्राउंड में खड़ी हुई है तथा 15 से 20 वर्ष पुरानी है, जो कभी भी गिर सकती है, क्योंकि इसकी दयनीय हालत यही बयां करती है। बता दें कि इस इमारत के नीचे स्कूल के बच्चे भी खेलते हैं, टूटी बिल्डिंग में स्कूल का ही कचरा फेंका जाता है, इससे गंदगी पैदा होती है, साथ ही मच्छरों का भी खतरा बना रहता है। एक तो सरकार स्वच्छ भारत और शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर पानी की तरह बहाती है, जबकि धरातल पर कुछ नहीं है।
काफी खतरा है, ये आपको दिख रहा है पेट्रोल की कचरा वगैरह है यहाँ पे जाएगी। तो इधर बच्चे बच्चे खेलने आते होंगे, वो भी नहीं आ पाते होंगे। सर यहाँ पर बच्चे वगैरह खेलने आते हैं, उनके लिए खतरा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी बेड हो चुकी है बिल्डिंग, कहीं पर कोई सी चीज़ गिर सकती है बच्चों के ऊपर। तो यहाँ पर खेलने का यहाँ लुका छुपी भी खेलते हैं यहाँ पर बच्चे कुछ। अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया इसके बारे में, नहीं बोला तो है मगर एक्शन किसी ने नहीं लिया यहाँ। अच्छा, तो यहाँ के पंचायत भी पता होगा, ये तो सबको पता है, विभाग को भी पता होगा, सबको पता है। बच्चे पढ़ते हैं इसमें लेकिन इसके आसपास नहीं आ पाते होंगे। सर इसका जहरीली जीव जंतु भी पनप रहे हैं, इसे बच्चों को भी काट भी सकते हैं। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रियों को ट्रेन में बैठाने पहुंचे गुना विधायक पन्नालाल शाक्य। इस मौके पर विधायक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं जा रहे यात्रियों से माता रानी के चरणों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं स्वयं विधायक के नाम से माता टेकने की बात भी कही। आज की यात्रा उड़ीसा के कामाख्या मंदिर जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के क्रम में आज जो यात्रा रवाना हो रही है वो लगभग 125 लोग जा रहे हैं यहाँ से, और उसकी रवानगी के लिए मैं आया, उन यात्रियों की रवानगी के लिए मैं यहाँ आया। और सबको सुविधा है, सरकार माननीय शिवराज जी ऐसी व्यवस्था करते हैं जैसा अपने घर की बेटे भी नहीं करता। सबका जाना आना बिल्कुल, शासकीय जो कर्मचारी हैं वो उनकी देख रेख में जाते हैं, बड़ा अच्छा ही। सब लोगों को प्रसन्नता होती है कि साहब कभी कामाख्या नहीं जा पाते, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी यात्रा करवा दी है बहुत बढ़िया। तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और हमारी तरफ से इन सभी यात्रियों से हम निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक बार माता जी का चरण स्पर्श करना धूप देना, और हमारे तरफ से भी चरण स्पर्श करके धूप देना। गल्ला मंडी का एक व्यापारी पिछले 6 महीनों से पुलिस थाने के चक्कर लगाकर हो रहा परेशान। गल्ला व्यापारी की माने तो उसने अपना गल्ला मंडी स्थित एक दुकान रामकृष्ण रघुवंशी की सहमति पत्र के आधार पर किराए पर दी थी, जिसके बाद जब फरियादी ने अपनी दुकान वापस लेना चाही तो आरोपियों ने उसे दुकान वापस नहीं की। वहीं फरियादी जगदीश धाकड़ के अनुसार उक्त दुकान में तकरीबन 42 लाख रुपए का माल रखा हुआ है, जिस पर भी उसके किराएदार ने कब्जा कर लिया है। इसके लिए वह कई बार खैन ताने पहुंचकर गुहार लगा चुका है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं फरियादी ने बताया कि यदि 1 हफ्ते के अंदर इसका निराकरण नहीं होता तो वह अनशन पर बैठ जाएगा। गल्ला मंडी मैंने कही जगदीश एंड सन्स के नाम मेरी फर्म है। अच्छा, मेरा नाम जगदीश धाकड़ है, मैं गल्ले का व्यापार करता था। अच्छा, तो क्या समस्या आ रही है आपको आपके व्यापार में? आप व्यापार क्या, एक व्यापारी ने इसमें गोदाम ले रखी थी सहमति पत्र के आधार पर, उसने मेरा माल पूरा लाभ लिया। इसके बाद में पुलिस थाने में कैंट में आवेदन दिया, 4 महीने बाद उसकी एफ आई आर कटी। इसके बाद 2 महीने एफ आई आर कटने के बाद हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो बोलती है जाँच हो रही, मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो गई, मैं 6 महीने से घर पर बैठा हूँ। आप कैंट थाने लगता है आपको? नाना खेरी कैंट थाने लगता है। तो थाने पे जाते हैं तो आप तो क्या आश्वासन दिया जाता है? जांच चल रही, जांच। तो उसकी शिकायत आपने अन्य अधिकारियों से की? एक बार इस साफ दी थी। क्या बोले मुन्ने भी नहीं, जाँच हो रही है। अच्छा, तो करीबन कितना टाइम हो गया? 6 महीने हो गए सुसर प्रकरण को। कितने? 6 महीने। तो इसमें क्या था प्रकरण में, मतलब आप जिसने गोदाम आपका ले रखा था
मैं मेरे गले का काम करता था उसमें, माल रखा था उसमें मेरा, हाँ मेरा माल रखा था उसमें, उसने मेरा माल हड़प लिया। हड़प लिया करीबन कितने रुपए का माल था? 40-45 लाख के आसपास के रुपए है। मेरे जो बैंक से लिमिट बना रखी थी, बैंक से लिमिट से मैं कारोबार कर रहा था। अच्छा अच्छा, तो आप करीबन 6 महीने से परेशान हैं? 6 महीने से परेशान हूँ, मेरी आज की स्थिति बहुत खराब ही है, बच्चों की फीस ट्यूशन फीस कुछ भी बढ़ने में असमर्थ तो मैं आ गया, मैं अनशन पर बैठूंगा, मैं अनशन पर बैठूंगा, अनशन से उसको न्याय मिलना चाहिए। आदमी फरार हुए उसको पकड़े, मेरा माल जब्त हो, मेरा माल मुझको दिलवाएं। का महीना यानी धर्म कर्म का महा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में धर्म के कार्य किए जाते हैं। वहीं माहौर के निवासी अपने साथ 108 झंडों को लेकर टेकरी सरकार के दर्शन करने पहुंचे। ये सभी लोग डीजे की धुन पर थिरकते हुए पैदल माहौर से टेकरी सरकार पहुंचे, जहां सभी ने श्रद्धा पूर्वक एक साथ सभी झंडे टेकरी पर चढ़ाए। कांग्रेस ने स्टॉल लगाकर भरवाए रोजगार मांग पत्र। युवा कांग्रेस ये मांग पत्र भरवाकर सरकार से युवा बेरोजगारों के लिए नौकरी की मांग रख रही है। अब तक तकरीबन 1500 मांग पत्र भरे जा चुके हैं। युवा कांग्रेस ये कार्यक्रम पिछले 15 दिनों से आयोजित कर रही है एवं आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। आज जगत होटल के सामने युवा रोजगार मांग पत्र भरे जा रहे हैं। विगत 15 दिवस से हम रोजगार मांग पत्र के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, और ये फार्म करीब अभी 1500 करीब हो चुके हैं। 1500 युवाओं ने रोजगार मांग पत्र भर दिए हैं और ये फार्म हम सांसद उत्तर सिंधिया जी के पास में भेजेंगे। आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर नानाखेड़ी स्थित बाबू जगजीवन दास छात्रावास के छात्र पहुंचे जनसुनवाई में। छात्रों ने आरोप लगाए कि छात्रावास में ना तो शौचालय की सफाई होती है और ना ही उन्हें साफ सफाई से रहने के लिए साबुन दिया जाता है। वहीं नाश्ते में भी अनियमितताएं देखी जा रही हैं। खाने में ही हमेशा एक ही चीज उन्हें दी जाती है। अपनी समस्या लेकर आज छात्र जनसुनवाई में पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि आपने प्रबंधक से इस बारे में कोई बात की, तो उन्होंने बताया कि प्रबंधक का कहना है कि अभी तक उसके खाते में कोई पैसा नहीं आया है, जब तक पैसा नहीं आता तब तक ऐसे ही समय गुजारना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कहते कहते प्रबंधक को कई समय बीत चुका है, जिसके कारण आज सभी बच्चे अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जनसुनवाई में पहुंचे। वहीं बच्चों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का जल्द ही निराकरण हो जाएगा। टॉयलेट साफ होती हैं ना ही, हमें वक्त पे सही खाना मिलता है, कर्मचारी हमसे गलत शब्द बोलते हैं, खाना बनाए समय मतलब गलत भाषा का उपयोग करते हैं, इस कारण हम समस्या लेकर आए। और समस्या और ना ही हमें ढंग से सब्जी मिलती है, थोड़ा सा नाश्ता मिलता है वो भी एक ही नाश्ता मिलता है और एक ही सब्जी मिलती है, और रोटी बहुत बेकार मिलती है, जली हुई मिलती है, निरमा साबुन कुछ भी नहीं मिलता है। नाश्ते में क्या मिलता है? नाश्ते में सिर्फ पोहे मिलते हैं, वही तो एक चम्मच थोड़े से। कौन से छात्रावास से आए? ये नाना खेड़ी सर से कई बार शिकायत, मुझे बोली रुपये नहीं आए मेरे छात्रावास, मतलब राशि नहीं आई, इस कारण मैं तुम्हें अभी ऐसे ही हुआ, लेकिन मुलक दिन से कह रहा है वो, कई बार कह चुके मन से लेकिन वो पता ही नहीं मानते। कौन से छात्रावास से आए? ये नाना खेड़ी बाबू जगजीवन दास छात्रावास। बरौदिया के रहने वाले किसान आज पहुंचे जनसुनवाई।
किसानों को आरोप है कि उन्हें राशन की दुकान से भगा दिया जाता है, कोई राशन नहीं दिया जा रहा। किसानों ने इस बारे में जानने के लिए सचिव और सरपंच से बात करना चाही तो वहाँ से भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद किसी ने उन्हें बताया कि कलेक्टर से जाकर गुहार लगाए, जिसके चलते सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर जन सुनवाई में पहुंचे। बदतर यार तू सबके कैमरन के बीच में आते फुल मत कर क्यों नहीं मिल रहा है? पापा तो पापा 5-6 महीना हो गए साहब, पहले मिला था बंद हो गया, कंट्रोल तो आया, कंट्रोल बगैर साहब डीलर डल कार का भगा देते हैं। क्या बोल रहे हैं? तुम्हें अगर नहीं मिल रहा क्या जाओ, तुम सेक्रेटरी के पास जाओ, सेक्रेटरी के पास जाते साहब तो सेक्रेटरी हमने वहाँ फोटो कॉपी मांगे साहब, सेक्रेटरी वो बेबी दे रहा है, अब वो सुनवाई नहीं हो रही साहब, इसलिए से हार मान के साहब कलेक्टर को तुम पे बताई कलेक्टरी में जाओ कहीं, इसलिए साहब हम कलेक्टरी में आए। बीमा न मिलने से परेशान किसान पहुंचे जन सुनवाई। बता दें कि म्याना तहसील के पटवारी हल्का नंबर 18 के घर पड़ने वाले ग्राम गंगा कट्टर माधोपुरा पाली आदि के ग्रामीण इकट्ठा होकर जन सुनवाई में आए, जिन्होंने अपनी 2017 की फसल का बीमा न मिलने की बात दोहराई। बता दें कि सोयाबीन और उड़द की फसल यहां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिसके बाद अभी तक उन्हें कोई भी फसल बीमा इन लोगों को नहीं मिल पाया है। करीब 2017 का हमारा बीमा नहीं आया। अच्छा, तो किस चीज़ का बीमा था आपका? सोयाबीन का। सोयाबीन का अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया। अभी तक करीबन कितना पैसा आया आप लोगों का ये बीमा? अब वो तो पूरे हल्के का है, पूरे हल्के में ही नहीं आया किसी का, जबकि हमारे हल्के से लगे हुए हल्के है ना उनमें आया है। पटवारी हल्का नंबर 16 में आया है, 17 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया, जबकि डोंगासरा पटवारी हल्का नंबर 18 है उसमें नहीं आया। तो इसकी हल्के में लगभग कितने आदमी होंगे? हमारे हल्के में करीब करीब होंगे 300 आदमी। तो इसकी आपने शिकायत पहले भी की है क्या? पहले नहीं करी, पहले करी मुख्यमंत्री महोदय को भी दिया था, उस दिन आए थे 23 जुलाई को आवेदन, तो कोई निराकरण नहीं, कोई निराकरण नहीं हुआ है, फिर आज कलेक्टर महोदय को देने के लिए आए। कलेक्टर को जगह दोषी किसको मान रहे हैं? दोषी साहब पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, बीमा कंपनी, तीनों दोषी हैं। हमारा बीमा का पैसा कट गया, हम हमारा हक मांग रहे हैं, हमारा बीमा का पैसा हमने प्रीमियम भराया तो हमको क्लेम मिलना चाहिए। नेशनल फर्टिलाइजर में काम करने वाले पुराने कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में सीटू के बैनर तले आज नेशनल फर्टिलाइजर मजदूर संघ पहुंचा जन सुनवाई में। साथ ही ये भी बताया गया कि जन आशीर्वाद यात्रा में वह लोग प्रदर्शन करेंगे एवं हटाए गए कर्मचारियों के लिए रोटी मांगेंगे। अरे इंकलाब जिंदाबाद, 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 अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल फर्टिलाइजर जो प्लांट विजयपुर के अंदर है, भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसमें करीब 100 कर्मचारी 20 साल से काम कर रहे थे और एक ठेकेदार लगातार अपना टेंडर ले रहा था, वो 100 कर्मचारी के लगभग एक ही स्थान पे एक ही काम को 25 साल से कर रहे थे। अचानक वहाँ के नेशनल प्रबंधन ने अपनी मिलीभगत से उन कर्मचारियों को वहाँ से हटा दिया है और 24 महीने से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ होने वाली है। हम लोग आज यहाँ कलेक्टर को इस बात की सूचना देने आए हैं कि हमें या तो काम दो, नहीं हमें रोटी दो, या हमें काम पे पहुँचा दो, और जन आशीर्वाद यात्रा में भी हम मुख्यमंत्री के सामने दुखड़ा रोएंगे और रोटी पेट के लिए रोटी मांगेंगे। भाजपा मंडल आरोन द्वारा आज आरोन से गिरिराज जी परिक्रमा को पैदल यात्रियों का दास हनुमान मंदिर पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। अध्यक्ष भगवत सिंह
महामंत्री पहलवान सिंह, उपाध्यक्ष श्रवण, प्रमोद जी, संजीव जी, शिव प्रताप सिंह, काना, साहिल, अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, हल्के के पठान किशन, किसान मीना, डॉक्टर के एस रघुवंशी, महावीर सिंह रघुवंशी, शिव कुमार रघुवंशी, बारो सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट।